कौन सी राजनीति खामोश कर देने वाले शत्रुघ्न सिन्हा कर रहे हैं? लोकसभा चुनाव 2019 से पहले शामिल हो जाते हैं बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस में, और चुनावी नतीजे आ जाते ही, कांग्रेस का हाल जान लेते ही बीजेपी के गुणगान गाने शुरू हो गए हैं। एक वक्त पर अमित शाह और नरेंद्र मोदी की जोड़ी को यही शत्रुघ्न सिन्हा कहते थे, वन मैन शो टू मैन आर्मी, और आज यही वन मैन शो टू मैन आर्मी उन्हें अमित शाह डायनामाइट नजर आते हैं। उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में बेहतरीन प्रधानमंत्री की छवि नजर आती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफों के पुल शत्रुघ्न सिन्हा बांधते हैं। सिन्हा की इसी राजनीति पर चर्चा करने के लिए इस खास पेशकश के साथ मैं मेघा एक बार फिर से हाजिर हूँ। शुरू करेंगे यहां से, शत्रुघ्न सिन्हा के बदले हुए तेवर से। ये वही शत्रुघ्न सिन्हा है जो भारतीय जनता पार्टी से बागी होकर कांग्रेस में शामिल हुए, और कांग्रेस में शामिल होते ही अपनी पार्टी की नीतियों पर सवाल उठाते हैं। ये वही शत्रुघ्न सिन्हा है जिन्हें ना तो मोदी सरकार की जीएसटी वाली योजना समझ आई, ना नोटबंदी। ये वही शत्रुघ्न सिन्हा है जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राजनीति को हमेशा सवालों के कटघरे में खड़ा किया है। लेकिन आज यही शत्रुघ्न सिन्हा 15 अगस्त को लाल किले पर दिए गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण के मुरीद हो गए हैं। आखिर क्यों कांग्रेस पार्टी के नेता मोदी जाप जप रहे हैं? आखिर क्यों कांग्रेस पार्टी के नेताओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियां इतनी प्रिय लगने लगी हैं? कहीं कांग्रेस के डूबते सूरज के बाद रोशनी की तलाश में ये नेता बीजेपी के शरण में तो नहीं आना चाहते? कहीं शत्रुघ्न सिन्हा का ये बीजेपी वाला प्रेम इस ओर इशारा तो नहीं करता कि अब कांग्रेस की राजनीति पर पूर्ण विराम लगाकर वो तीसरी पारी बीजेपी के कमल को हाथ में पकड़कर शुरू करना चाहते हैं? इन तमाम सवालों के बीच में आपको शत्रुघ्न सिन्हा के करीब 5 से 6 ट्वीट हम दिखाएंगे। वो 6 ट्वीट जिन्होंने सवालों के कटघरे में शत्रुघ्न सिन्हा की राजनीति को लाकर खड़ा कर दिया है। ट्रिपल तलाक से लेकर धारा 370 से लेकर 15 अगस्त को दिए गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण तक शत्रुघ्न सिन्हा भारतीय जनता पार्टी के किस तरह मुरीद हो गए हैं, किस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की तारीफों के पुल बांध रहे हैं, देखिए जरा। भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर कांग्रेस में गए शत्रुघ्न सिन्हा इन दिनों लगातार चर्चा में बने हुए हैं, और शत्रुघ्न सिन्हा के चर्चा में जाने के पीछे की वजह है एक बार फिर से बीजेपी को लेकर उमड़ रहा उनका प्रेम। जी हाँ, ठीक सुन रहे हैं आप, एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के मुरीद हुए शत्रुघ्न सिन्हा नजर आ रहे हैं। बता दें आपको, 15 अगस्त को लाल किले से जो भाषण दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, उनके भाषण की तारीफें देश और विदेश में हुई। अब इन सबके बीच में शत्रुघ्न सिन्हा ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण को साहसिक, विचार उत्तेजक बता दिया है। ठीक सुन रहे हैं आप, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण की तारीफ करते हुए शत्रुघ्न सिन्हा ने ट्वीट कर दिया है, और ट्वीट करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण की तारीफ कर दी है। बता दें आपको, चुनाव से पहले तक शत्रुघ्न सिन्हा पीएम मोदी की हर नीति, हर बात की आलोचना करते थे, लेकिन चुनाव होते ही शत्रु के तेवर पूरी तरह से बदल चुके हैं। अब वो यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नीतियों की तारीफें करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके बाद ये कहा जा रहा है कांग्रेस से इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल एक बार फिर से शत्रुघ्न सिन्हा हो सकते हैं। बता दें आपको, भारतीय जनता पार्टी शत्रुघ्न सिन्हा पर दाव नहीं लगा रही थी पटना साहिब में, जिसके बाद उन्होंने बीजेपी को टाटा बाय बाय कह दिया, बीजेपी से इस्तीफा दे दिया, कांग्रेस का हाथ पकड़ लिया। कांग्रेस ने उन्हें पटना साहिब से टिकट दिया, जहां केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद के खिलाफ उन्होंने चुनाव लड़ा। इस हाई प्रोफाइल मुकाबले में शत्रुघ्न सिन्हा हार गए, उन्हें हार का सामना करना पड़ा, और हार के बाद से शत्रुघ्न सिन्हा के तेवर पूरी तरह बदले हुए नजर आ रहे हैं। इस वक्त हमारी रिपोर्ट में आप खामोश कर देने वाले शत्रुघ्न सिन्हा के कुछ ट्वीट्स पढ़ रहे होंगे। बैक टू बैक ये 6 ट्वीट्स हैं, और इन सभी ट्वीट्स में शत्रुघ्न सिन्हा का भारतीय जनता पार्टी के प्रति प्रेम साफ दिखाई पड़ता है। ट्रिपल तलाक से लेकर धारा 370 तक शत्रुघ्न सिन्हा ने एक बार नहीं बल्कि बार बार नरेंद्र मोदी और अमित शाह की तारीफ की है।
धारा 370 हटाने को लेकर जहां एक साथ कांग्रेस पार्टी बीजेपी पर हमला बोल रही थी, तो वहीं अपने ट्वीट में शत्रुघ्न सिन्हा गृह मंत्री व भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह को डायनामाइट बताते हैं। अपने ट्वीट में शत्रुघ्न सिन्हा अमित शाह की तारीफ करते हैं और ये भी कहते हैं कि बीजेपी के प्रेसिडेंट वही बात करते हैं जिनकी उम्मीद होती है। साथ में शत्रुघ्न सिन्हा धारा 370 जम्मू कश्मीर से हटाए जाने के फैसले का समर्थन करते हुए कहते हैं, उम्मीद करता हूं यहां से कश्मीर प्रगतिशील और सकारात्मक दिशा की ओर बढ़ेगा, ये निर्णय मददगार साबित हो। ऐसे कयास लगाने वाले, ऐसी शुभकामनाएं देने वाले शत्रुघ्न सिन्हा पर अभी भले ही कांग्रेस पार्टी में किसी की नजर नहीं गई है, लेकिन सच तो ये है अंदरूनी खेमे में तमाम तरह के कयास लगने शुरू हो गए हैं। बता दें आपको, शत्रुघ्न सिन्हा ट्रिपल तलाक के बिल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों की तारीफ करते हैं। ट्रिपल तलाक बिल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को महिलाओं के लिए मसीहा बताते हैं और इन सबके बीच में अपनी पार्टी के खेमे की हलचल, अपनी पार्टी के संकट पर खामोश रहते हैं। बीते दिनों कांग्रेस पार्टी नेतृत्व विहीन रही, अध्यक्ष विहीन रही और इस पूरे मुद्दे पर सिर्फ एक बार शत्रुघ्न सिन्हा ने अपनी चुप्पी तोड़ी उस वक्त जब नाम सामने उन्होंने किया प्रियंका गांधी वाड्रा का। कई इलाकों में कांग्रेस की नींव हिली, कई राज्यों में कांग्रेस के अंदरूनी खेमे में बगावत हुई, लेकिन इन सब पर ध्यान ना देकर शत्रुघ्न सिन्हा सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की तारीफों के पुल बांधने में व्यस्त रहे। कुछ ऐसे ही बिंदु निकलकर सामने आए हैं जिनके बाद सियासत शत्रुघ्न सिन्हा की अब भगवा रंग में रंगी हुई नजर आ रही है। ये कहा जा रहा है कांग्रेस पार्टी अंदर ही अंदर शत्रु के खिलाफ है, इसलिए अब शत्रुघ्न सिन्हा कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी की तारीफों के पुल बांधकर राजनीति के अखाड़े में अपने लिए नया आशियाना तलाश रहे हैं।